Hellcat. सो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप काफी अच्छे होंगे आप लोग भी। सो फ्रेंड्स मैं लेकर आओ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए। सो फ्रेंड्स आज मैं बात करूंगा होंडा लीड 125 के बारे में। सो फ्रेंड्स इसकी बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, ये टॉपिक को आज इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि 4 से 5 दिन पहले एक सब्सक्राइबर है, डेट इज अनिल, उन्होंने एक मेरे को काफी लंबा मैसेज किया है और उन्होंने पूछा है कि इस गाड़ी से रिलेटेड क्या अपडेट है। शॉर्ट बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी से रिलेटेड मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है, मतलब जब से उनका मैसेज आया उसके बाद से मैं इस गाड़ी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एंड देन मैं लोकल जो होंडा शोरूम है वहां जाकर भी पता किया तो उनके पास तो कुछ अपडेट नहीं है। देन मैंने कुछ अपडेट पुणे से लिया है तो वो अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, मैं सारी चीजें बता दूंगा इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स मेरा नाम है रूपम और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल दैट इज रूपम ब्लॉग्स। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको जैसे क्लिक करेंगे वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना ना भूले, नहीं तो कोई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। सो हम वेस्ट नहीं करते टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं होंडा लीड 125 के बारे में तो ये मई 2018 में कुछ न्यूज ऐसी आई थी कि ये ऑलमोस्ट दिसंबर या कोई भी फेस्टिवल सीजन, मतलब 2018 का फेस्टिवल सीजन में ये लॉन्च होने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये एक बात रह गई थी। लेकिन मैं आपको एक नया अपडेट देना चाहूंगा कि आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले होंडा ने एक न्यूज निकाला था कि वो अपने 125 स्कूटर पे काम कर रहा है, मतलब उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। अब क्यों कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से ऐसा एक न्यूज आ रहा है कि वो BS4 नहीं BS6 बहुत जल्दी कंप्लाइन करने वाला है स्कूटर प्लस बाइक्स में। क्यों करने वाला वो बता रहा हूँ, क्योंकि पोल्यूशन के कारण ये सब चीजें करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। और BS6 में आपको क्या क्या एडन होकर मिलेगा, जैसे अभी BS4 में क्या था, उसके जो साउंड और जो साइलेंसर है उसको काफी ज्यादा BS4 के हिसाब से कंप्लाइन किया गया था। सेम BS6 में क्या है, आपको गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टेड मिलेगा, प्लस जो इसका साइलेंसर है उसका भी कुछ BS6 के हिसाब से किया जाएगा। तो होंडा एक्चुअली 125cc को स्कूटर पे काम तो कर रहा है, लेकिन हम लोग ये कैस कर सकते हैं कि हाँ शायद होंडा लीड पे ही काम कर रहा है होंडा बहुत जल्द। अगर ऐसा कुछ है तो शायद BS4 जैसी कंप्लाइंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है तो आपको होंडा लीड 125 मिलेगा जरूर। अब बात करें इसकी लॉन्चिंग की, तो लॉन्चिंग अभी तो कुछ भी न्यूज नहीं है इसके रिगार्डिंग। जैसे ही BS6 का अनाउंसमेंट होता है तो होंडा शायद बहुत जल्द इस गाड़ी को लॉन्च जरूर करेगी। अब बात करें इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो मैं बात करना चाहूंगा पहले डिजाइन से। गाड़ी की डिजाइन काफी अच्छी है, मतलब स्कूटर की डिजाइन काफी अच्छी है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलता है, और वहीं मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल मिलता है, लाइक एक्टिवा 125 वैसा ही मिलता है। इसमें अगर की स्लॉट की बात करूं तो इसमें भी एग्जैक्ट है एक्टिवा 5G जैसा ही की वाला आपको देखने को मिलेगा अगर ये लॉन्च होती है तो। इसका सबसे मेन हाइलाइटिंग पार्ट क्या है पूरे स्कूटर में, दैट इज इसका अंडर सीट स्टोरेज। जो इंटरनेशनल वेरिएंट है उसमें 37 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है, डेट मीन्स आराम से आप 2 हेलमेट रख सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। प्लस इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो काफी फ्लैट है और थोड़ा स्पेशियस तो है ही है, और प्लस इसका जो लुक है ऑलमोस्ट एविएटर टाइप आपको दूर से देखने में लगता है। अब पता नहीं इंडियन वेरियंट में आपको कैसा मिलेगा ये लुक, शायद ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको इसको देखने को मिल सकता है। रेल्स भी आपको मिलता है और इसका जो टेल लाइट है वो आपको फुल्ली LED मिलता है टेल लाइट। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसके लुक्स एंड इसके फीचर्स। अब देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, अगर इंटरनेशनल वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है वैसे गाड़ियों में। अगर मैं होंडा लीड 125 की बात करूं तो ये आपको मिलेगा 124.9cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा। यस फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है और ये ऑटोमेटिक इंजन मिलेगा, और जो कि पावर आउटपुट निकालता है 11.33 BHP का पावर आउटपुट एट द रेट 8500 RPM में आपको इसका पावर मिलेगा। और इसके जो टॉर्क की बात करूं तो इसमें मिलेगा आपको 11.6 Nm² टॉर्क एट द रेट 6000 RPM। और इसका जो एवरेज है, जो इंटरनेशनल वेरिएंट का जो एवरेज ऐसा क्लेम करती कंपनी, वो है 45 से 55 km/L। फ्यूल इंजेक्शन है तो आप इतना एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड बताई गई है, दैट इज 95 km/h। और डे टू डे कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हाँ 80 का इजीली आप अचीव कर सकते हैं स्पीड। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करें इसके साइकिल पार्ट्स, तो फ्रंट में मिलता है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे मिलता है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन। मैं वही बात करूँ इस गाड़ी के टायर और व्हील साइज की, तो व्हील इसमें आपको फ्रंट में मिलता है 12 इंच का व्हील फ्रंट में, और पीछे मिलता है आपको 10 इंच का
व्हील लाइक एविएटर, एविएटर के जैसा वैसा ही आपको इसमें सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है एज अ ऑप्शन। वही ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक, और इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें दोनों तरफ ही ड्रम ब्रेक है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आपको मिलेगा इस गाड़ी अगर ये लॉन्च होती है तो। फिलहाल वही मैं बात करूं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो इसमें आपको 6 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल सकता है, और इसका जो फ्यूल कैप है वो अंडर सीटी है, नहीं बाहर एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है इसमें, सेम अंदर ही मिलेगा। लेकिन एक अच्छी चीज है कि इतना बड़ा बूट स्पेस होते हुए भी इन्होंने फ्यूल टैंक का नॉब पूरा अंदर ही रखा है, पता नहीं कैसा सेटअप किया लेकिन अच्छा किया, काफी अच्छी बात है। मैं बात करूं इसके सीट हाइट की, तो इंटरनेशनल वेरिएंट का जो सीट हाइट है 760 mm का सीट हाइट है, और ड्राइवर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज मोर और एवरेज, आपको एक्टिवा और एविएटर में सेम ऐसा ही मिलता है। फ्रेंड्स अब बात आती है इसकी लॉन्चिंग डेट की, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फिर भी मैं एक और बार आपको बता देता हूं, अभी लॉन्च नहीं होगी। जब भी ये BS6 का गवर्नमेंट कुछ अप्लाई करती है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली दिवाली 2019 दिवाली या दिसंबर 2019 तक ये कभी भी लॉन्च हो सकती है, और इसका जो प्राइस होगा ऑलमोस्ट 70,000 एक्सशोरूम होगा। एक्सशोरूम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिटी टू सिटी RTO प्लस आपका इंश्योरेंस अगर ऐड कर देते तो और प्राइस बढ़ जाता है। मैंने ये सब ऐड करा नहीं है, ये नॉर्मल मैंने एक्सशोरूम प्राइस क्या हो सकता है वो बताया। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, और ये एक अनिल के लिए मैं भी एक बताना चाहूँगा कि अनिल का शायद ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब ये लॉन्च होने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लॉन्च हो ही जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिवाली या उसके दिसंबर तक कभी भी ये लॉन्च हो सकती है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट होंडा लीड 125 स्कूटर, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना, और किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रिव्यू कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।